नमस्कार, मैं दर्पण आनंद, आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि पिछली कई चर्चाओं में आपने जाना कि हम कैसे इफ़ेक्टिव वेब पेज बना सकते हैं, उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, सीएसएस कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, ये सब हमने जाना। इस चर्चा में हम जानेंगे एक्सएमएल का यूज़ वेब टेक्नोलॉजी में क्यों और कैसे होता है। तो जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं इस चर्चा के, वो रहेंगे XML बेसिक्स, XML DTD कैसे प्रयोग में लाते हैं, XML पार्सर की आवश्यकता क्यों होती है और किस प्रकार के पार्सर हमारे पास उपलब्ध हैं, उनमें से DOM और SAX पार्सर क्या करते हैं, कैसे काम कर सकते हैं वो समझेंगे, और XML स्कीमा क्या होती है ये जानेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं XML बेसिक्स से। XML का अर्थ है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका प्रयोग डेटा होल्डिंग और डेटा शेयरिंग के लिए किया जाता है। अगर दो विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स हैं, दो विभिन्न लैंग्वेजेस पर काम करने वाले सिस्टम्स हैं, अगर हम उनका डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर लेकर जाना चाहते हैं, तब उसके लिए हमें XML एक प्रभावी टूल के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके प्रयोग के लिए हम DTD का प्रयोग करते हैं। DTD का अर्थ है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, मतलब XML में जो टैग्स हम प्रयोग में लाएंगे उन टैग्स का क्या अर्थ है, क्या उनकी डेफिनेशन है, ये सारा काम हम DTD में लिखते हैं। DTD के साथ ही हम आगे जो प्रयोग करते हैं उसमें हम कुछ एलिमेंट्स का प्रयोग करते हैं। ये एलिमेंट्स डेटा को होल्ड करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जनरली DTD तीन प्रकार के एलिमेंट्स को प्रयोग में लाता है। एक है एलिमेंट, दूसरा है टैग और तीसरा है एट्रीब्यूट। एलिमेंट मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी XML डॉक्यूमेंट का, अर्थात किसी भी XML डॉक्यूमेंट जो प्रारंभ करेंगे वो हम एलिमेंट से ही किसी भी टैग का प्रयोग में लेके आते हैं। टैग जो है वो इस प्रकार का कंपोनेंट है जिसका प्रयोग हम उस एलिमेंट को अपने XML पेज में डिफाइन करने के लिए करते हैं। तीसरा है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में हम टैग की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डाल सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम उस टैग के साथ देना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन हम एट्रीब्यूट में दे सकते हैं। XML की एप्लीकेशंस, पहली एप्लीकेशन है नए टैग को बनाना, दूसरी एप्लीकेशन है कि सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग डेटा बनाना, और तीसरी एप्लीकेशन है हेटरोजीनियस सिस्टम, अर्थात विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर काम करने वाले सिस्टम्स के बीच में डेटा का ट्रांसफर करना। तो पहले हम समझते हैं DTD के बारे में। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन करंट डॉक्यूमेंट की ग्रामर को डिफाइन करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ग्रामर का अर्थ है कि किस प्रकार से डेटा को प्रेजेंट किया जाए, लिखा जाए, इन सब के लिए हम DTD का प्रयोग करते हैं। DTD के माध्यम से लिखे गए XML डॉक्यूमेंट को समझने के लिए हमें पार्सर की आवश्यकता होती है। पार्सर किसी भी XML डॉक्यूमेंट की ग्रामर को समझने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। XML टेक्नोलॉजीज का जो उद्देश्य है वो रहता है टैग्स को या डेटा को वेल फॉर्म्ड प्रयोग में लाना और साथ में ही उसको वैलिडेट कर देना, और इन दोनों प्रयोगों के लिए या इन दोनों उद्देश्यों के लिए हम DTD का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इस उदाहरण में हमें विदित है, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उस ऑर्गेनाइजेशन में हमने एम्प्लॉय ID, नेम, डिपार्टमेंट और अन्य एलिमेंट्स का प्रयोग किया। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें विभिन्न और एलिमेंट्स का हमने प्रयोग किया हुआ है, लेकिन एम्प्लॉय एलिमेंट के हमने अंदर जो वैल्यूज दी हैं वो हो सकती हैं एम्प्लॉय ID, नेम, डिपार्टमेंट और मोबाइल नंबर। लेकिन आगे जो एम्प्लॉय ID है उसमें हमने PC डेटा लिखा है, उसके बाद हमने जो नेम लिया है उसमें PC डेटा, और इस प्रकार से हमने इसको डिफाइन किया है। तो जो ऊपर हमने एलिमेंट को हमने डिफाइन किया है ये हम किसी ना किसी एक DTD में करेंगे। इसके प्रयोग के लिए आप देखेंगे नीचे हमने एक प्रयोग किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तो ऑर्गेनाइजेशन का टैग प्रारंभ हुआ और उसको क्लोज किया, उसके बीच में एम्प्लॉय आया, एम्प्लॉय की वैल्यूज हमने वहाँ पर लिखी, फिर हमने उसका नाम दिया, डिपार्टमेंट दिया और अन्य एलिमेंट्स को डिफाइन किया। इस प्रकार हमने एक नया टैग बनाया और नए टैग के माध्यम से हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया। तो ये इसका एक सुंदर प्रयोग है कि हम XML का प्रयोग नए टैग्स बनाने, नए कंपोनेंट्स को डिफाइन करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो डेटा गया
उसको हम पार्स कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें पार्सर की आवश्यकता होगी जो आने वाले स्लाइड्स में हम समझेंगे। एलिमेंट्स जो हो हैं वो तीन प्रकार के हैं, एम्प्टी एलिमेंट, एनी एलिमेंट, मिक्स्ड एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट जिसकी कोई जिसमें कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, जैसे आप लोगों ने HTML में ब्रेक लाइन या BR टैग का प्रयोग किया होगा जिसमें कोई वैल्यू नहीं देनी, वो अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टैग है। एनी टैग में जिसमें कोई भी एक वैल्यू हम दे सकते हैं लेकिन वो एक ही प्रकार की हो। मिक्स्ड में हम बहुत अलग अलग प्रकार की वैल्यूज को भी दे सकते हैं। XML डेटा टाइप दो प्रकार के हैं, PC डेटा और C डेटा। PC डेटा का अर्थ है पार्स करेक्टर डेटा और C डेटा का अर्थ है करेक्टर डेटा। PC डेटा में हम जो डेटा लेते हैं वो फिक्स होता है, यानी कि टैग के शुरुआत और अंत से बीच में हम एज एन एट्रीब्यूट हम XML एलिमेंट की वैल्यू देते हैं, जैसे यहाँ उदाहरण है नेम जॉन। दूसरा है करेक्टर डेटा, जहाँ हम सिंपल एक करेक्टर डिफाइन करते हैं और उस करेक्टर की वैल्यू डायनामिकली इंसर्ट कर सकते हैं किसी सर्वर प्रोग्रामिंग के माध्यम से, वो कहलाता है सी डेटा। यहाँ एक उदाहरण है PC डेटा और C डेटा को डिफाइन करने का। आप देखेंगे सी डेटा में हमने आगे जिम और पीटर अलग वैल्यू आई हैं। ये वैल्यू कैसे आई हैं, ये किसी सर्वर प्रोग्रामिंग के माध्यम से प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आया वो हम इस प्रकार से सी डेटा में होल्ड कर सकते हैं। ये दो उदाहरण हैं। इस उदाहरण में आप इनवॉइस को जनरेशन का दो उदाहरण है, जहां हमने सी डेटा और PC डेटा के माध्यम से दोनों को प्रयोग में लाया है। लेकिन अगर आप मेरा एग्जाम्पल 1 देखें तो वहां पर आप देखेंगे कि वैल्यूज बीच में अलग से लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल 2 देखें तो वहां फिक्स वैल्यू एट्रीब्यूट का एक पार्ट है वो हमने उस प्रकार से डिफाइन किया है। तो एग्जाम्पल 2 अर्थात PC डेटा के माध्यम से, एग्जाम्पल 1 यानी C डेटा के माध्यम से। अब आप जानते होंगे कि जब हमने वैल्यू अलग से लिखी तो इससे पहले कि वैल्यू हम एम्बेड करें XML में, हम उसे वैलिडेट कर सकते हैं। इसका मतलब एग्जाम्पल 1 वैलिडेट हो सकता है लेकिन एग्जाम्पल 2 वैलिडेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो टैग का पार्ट हो गया है। अब जो वैल्यूज इस प्रकार से आती हैं या एक XML डॉक्यूमेंट है उसे कैसे समझा जाएगा, उसके लिए हमें पार्सर की आवश्यकता होती है। तो एक प्रश्न आता है कि हम किस प्रकार से रिसीवर मशीन समझ सकती है जो XML डॉक्यूमेंट वहां पहुंचा है उसमें कौन सा डेटा है। तो इसीलिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी जो XML डॉक्यूमेंट से डेटा को रिसीव कर सके, रिट्रीव कर सके, साथ ही सेंडर एंड पर डेटा को इनकॉर्पोरेट भी कर सके। तो XML पार्सर इसका सही उदाहरण है, सही उत्तर है। तो XML पार्सर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें एक रिच लाइब्रेरी का प्रयोग किया जाता है जो XML DTD को समझ के उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकती है या डेटा को इनकॉर्पोरेट करती है। पार्सर सबसे पहले चेक करता है कि जो टैग लिखे गए हैं वो DTD अर्थात डिफाइंड ग्रामर के हिसाब से वेल फॉर्म्ड हैं या नहीं है। अगर वो वेल फॉर्म्ड हैं तब उन वैल्यूज को वो वैलिडेट कर सकता है जिनको हमने XML के अंदर एम्बेड किया है। तो आप इस चित्र से ध्यान में आएगा कि XML डॉक्यूमेंट XML पार्सर के थ्रू क्लाइंट एप्लीकेशन पर डेटा पहुंचाता है और उसके लिए उसे एक लाइब्रेरी की आवश्यकता होती है, एक लाइब्रेरी API पैकेज की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से XML पार्सर XML डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेटेड DTD को समझ सकता है। XML पार्सर दो तरह के होते हैं, DOM पार्सर और SAX पार्सर। DOM पार्सर का अर्थ है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऐसा जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन कैटेगोरिकली लिखी गई है वहां पर हम इस प्रकार के पार्सर का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के पार्सर में कंपोनेंट्स को हम एक ट्री की फॉर्म में अरेंज करते हैं और उस ट्री को हम DOM ट्री कहते हैं। मान के चलिए एक एग्जाम्पल मैंने यहां दिया है, उस एग्जाम्पल पर हम लोग ये ट्री बनाते हैं। इसमें हमने देखा कि एक HTML टैग लिया है, एक हमने हेड टैग लिया है, उसके बाद हम लोगों ने एक इनपुट टैग लिया है, इनपुट में हमने कुछ वैल्यू एट्रीब्यूट वैल्यू दी हैं। तो HTML टैग रूट टैग कहलाएगा और आप देखेंगे तो HTML टैग के अंदर हमने दो टैगों का प्रयोग किया, एक हेड टैग एक बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर हमने टाइटल टैग का प्रयोग किया और हमने डॉक्यूमेंट का टाइटल डिफाइन किया, तो हेड टैग टाइटल टैग से जुड़ा हुआ रहेगा। और इसी प्रकार से बॉडी टैग के अंदर हमने एक इनपुट टेक्स्ट का यूज किया है, तो इनपुट का टाइप टेक्स्ट है और उसकी आईडी हमने दी हुई है। इसका अर्थ यह हुआ
कि जो ये डॉक्यूमेंट दिया, जो ये हमने कोड दिया HTML का, अगर हम उसका डॉम ट्री बनाएंगे तो ये डॉम ट्री बनेगा। डॉम ट्री के फायदे क्या हैं? एक डॉक्यूमेंट जो वाइडली सेपरेटेड है, अर्थात जिसमें कैटेगोरिकली डॉक्यूमेंट्स में टैग्स लिखे गए हैं, कंपोनेंट डिफाइन है, वहां हम डॉम XML पार्सर का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही डॉम XML पार्सर के थ्रू उन टैग से हम वैल्यू रीड भी कर सकते हैं और उन कंपोनेंट में हम वैल्यू राइट भी कर सकते हैं। जैसा कि पिछली स्लाइड्स में आपने देखा कि हम जावास्क्रिप्ट के माध्यम से हम किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू रिट्रीव करते हैं और साथ ही उसको वैल्यू दे भी सकते हैं। लेकिन साथ ही कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे अगर हमें पूरे पेज का कंपोनेंट ट्री या डॉम ट्री बनाना पड़ेगा तो हमें ह्यूज मेमोरी की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता है, मेमोरी मैनेजमेंट डॉम पार्सर का पुअर होता है। इसके साथ ही कॉम्प्लिकेटेड और बड़े प्रोजेक्ट्स यानी कि बड़े XML डॉक्यूमेंट्स में डॉम ट्री का प्रयोग कठिन रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, वहाँ हम इसको प्रयोग में नहीं ला सकते। दूसरा पार्सर है SX XML पार्सर। SX का मतलब है सिंपल API फॉर XML। SX किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता, अर्थात SX के लिए किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि डॉम में था। इसके अलावा SX विभिन्न प्रकार के मेथड्स को लेकर प्रयोग में लाया जाता है, यानी विभिन्न प्रकार के मेथड्स पहले से ही SX API में उपलब्ध होते हैं, लेकिन अगर क्लाइंट चाहता है कि किसी मेथड को दोबारा से डिफाइन करे तो वो SX API में उपलब्ध मेथड को ओवरराइट भी कर सकता है। SX पार्सर इवेंट ड्रिवन पार्सर कहलाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे ही कोई इवेंट जनरेट होगा तो SX पार्सर वहां पर अप्लाई करेगा। SX पार्सर अप्लाई करने का अर्थ हुआ उस इवेंट के माध्यम से जो डेटा फ्लो होगा उस डेटा के ऊपर SX पार्सर काम कर नेक्स्ट स्टेज उस डॉक्यूमेंट की बना सकता है। जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट में देखा, किसी बटन को क्लिक करते हैं तभी जावास्क्रिप्ट रन करती है, तो SX पार्सर भी कुछ इसी प्रकार का काम करता है। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे ही कोई इवेंट होगा ये पार्सर ऑटोमेटिकली जो उस इवेंट से मेथड लिंक होगा उसे कॉल कर देता है। इसके साथ ही अब समस्या ये आएगी कि पार्सर को कैसे पता चलेगा कि एक इवेंट हुआ है, तो उसके लिए किसी टैग के स्टार्ट और एंड होने के बीच का जो समय है वो ये मान के चलता है कि एक इवेंट का समय है। तो जैसे ही कोई टैग एंड होगा तो वो उसी ड्यूरेशन में इवेंट को जनरेट करके उस मेथड को कॉल करेगा जो लिखा होगा। इस SX पार्सर के पार्सिंग के लिए पूरे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, जहां जब इवेंट जनरेट हो तभी SX XML पार्सर काम करता है। SX XML पार्सर के लाभ क्या हैं? एक तो ये सिंपली इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है, अर्थात आसानी से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, मेमोरी एफिशिएंट है, क्योंकि जिस प्रकार से डॉम के लिए हमें पूरा डॉक्यूमेंट ट्री बनाना पड़ता था वो यहाँ पर आवश्यक नहीं है। और ये स्ट्रीम एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि स्ट्रीम एप्लीकेशंस में जैसे ही इवेंट होगा तभी हम SX पार्सर का प्रयोग करेंगे। इसके साथ कुछ समस्याएँ भी हैं, जैसे SX पार्सर के माध्यम से डॉक्यूमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ सकती है, और साथ ही ये डेटा को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके ही पार्स करता है, यानी ये पूरे डॉक्यूमेंट को इवेंट बेस्ड डिवाइड करता है, इसलिए हमारे पास पूरे सिस्टम का स्नैपशॉट कभी भी अवेलेबल नहीं होता है। अब DTD की समझ में आया, पार्सर समझ में आया, तो अब हमें ये समझना होगा कि DTD अर्थात अगर हमें किसी XML डॉक्यूमेंट की ग्रामर लिखनी है तो वो कैसे लिखेंगे, तो उसका उत्तर है XML स्कीमास के माध्यम से। जैसे हमने DTD समझा, DTD के माध्यम से XML की ग्रामर लिखते हैं, तो DTD को लिखना ही XML स्कीमा कहलाएगा, अर्थात XML स्कीमा का एक उदाहरण DTD भी है। तो XML स्कीमा का जनरल डेफिनेशन क्या होगी? एक ऐसा फ्रेमवर्क जो स्ट्रक्चर्ड है, जिसके माध्यम से हम XML के विभिन्न टैग को डिफाइन कर पाएं, जो डेफिनेशन कोई एक पार्सर समझ सके, तो ऐसी स्कीमा को हम XML स्कीमा कहते हैं, जैसे DTD या XSD। XSD को भी हम XML में ही लिखते हैं, इसका एक्सटेंशन .xsd होता है, और XSD का जो रूट एलिमेंट है वो स्कीमा होता है। इस XML स्कीमा XSD में दो बड़े सिंपल से एलिमेंट्स होते हैं,
जिसे पहला जो कैटेगरी है उसे सिंपल एलिमेंट कहते हैं और दूसरी को हम कॉम्प्लेक्स एलिमेंट कहते हैं। जैसे ये नीचे जो उदाहरण दिया है इसमें आप देखेंगे कि नेम इज द नेम ऑफ द एलिमेंट, अर्थात नेम एक सिंपल एलिमेंट है जहाँ पर हमने सिर्फ नाम बताया और उस नाम के साथ ही हमने उसका टाइप बताया। एक्सेस डी ये 6 प्रकार के डेटा टाइप का प्रयोग करता है या वैल्यू ऑफ टाइप का प्रयोग करता है, बूलियन, डेट, डेसिमल, इंटीजर, स्ट्रिंग और टाइम। और इन डेटा टाइप्स को डिफाइन करने के लिए हम एक्सेस प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं, माने अगर किसी वेरिएबल को हमें लिखना है बूलियन है तो हम उसके आगे टाइप के आगे लिखेंगे एक्सेस कोलन बूलियन। दूसरा प्रकार कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो अगर हमें एग्जामल डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसे कंपोनेंट लेने जिनका एट्रीब्यूट हो तो ऐसे कंपोनेंट को हम कॉम्प्लेक्स एलिमेंट कहते हैं। इस सत्र में हमने जाना एग्जामल क्या होता है, एग्जामल की क्या उपयोगिता है, किस प्रकार से हम डेटा को एग्जामल के माध्यम से होल्ड कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमने ये जाना एग्जामल की स्कीमास क्या होती हैं, एग्जामल पार्स कैसे होती है, एग्जामल के पार्सर कितने हैं और उनके क्या लाभ और क्या हानियाँ हैं। अगले सत्र में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इफ़ेक्टिव वेबसाइट को बना सकते हैं, उसके लेआउट क्या हो सकते हैं, कैसे हम एक इफ़ेक्टिव वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं जिसमें हम CSS, HTML, JavaScript और अन्य टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।